मेरी दोस्त है जिनको मैंने किया की इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो वो बोलती है आपको तो मुसलमान हो जाऊँगी और, हाँ। अगर अगर और मैंने तो जवाब भी आपको देने का छोटा था इतने छोटे सवाल के लिए दस सेंटेंस पीछे लोग को सवाल ही घूम जाता है एक चार इक्वेशन है एक में लिखा है दो जमा दो चार दूसरे जगह लिखे लाए तीन जमा तीन छे जगह है चार जमा चीज एक चीज गलत है बराबर चार जमा चार दस नहीं होता है आठ होता है अगर एक चीज सही है जरूरी नहीं सब चीज सही है उनको बोलिए जो चीज़ सही है हमको चेक करना पड़ेगा अस्सलाम वालेकुम असला भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया मेरी अठारह साल पुराने अपने उस्ताद से मुलाकात का बहुत शुक्रिया मैं रूहानी उस्ताद मानती हूँ इनको और आपसे दरख्वास्त है कि आप अरबी का कोर्स शुरू कीजिए जैसे आइटिया करा मेरी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है अल्लाह आपको अज़र दे और दूसरा सवाल ये है कि मैं मेरे दादा जान हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले हिजरत करके आए हिंदुस्तान से तो वो मुसलमान करते थे लोगों को तो हम लोग ठा में रहते हैं और तबलीग करते हैं मुसलमान करते हैं वहाँ क्रिश्चियन भी हैं मुस्लिम भी हैं तो जाकिर साहब का मैंने प्रोग्राम देखा 2009 में 2009 से मैं फॉलो कर रही हूँ मगर मैं हिंदुस्तान नहीं जा सकी कुछ बार्डर के इश्यूज की वजह से तो मेरा जो सवाल है कि मैं 18 साल से तबलीग कर रही हूँ बाइबल का बोला था कि आप स्टडी करें और स्टडी करके उनको बताएं कि कहाँ गलती है तो मैंने की और मैंने मुसलमान किया बहुत सारी अपने दोस्तों को स्कूल लाइफ में और अभी भी अमली जिंदगी में कर रही हूँ मेरी दोस्तें फैमिली है वो जो है, ना, बोलती है हवाला देते हैं गीता से रामायण से तो उसमें दो सेंटेंस ऐसी ज्यादा बात करना तकरीर तकरीर का वक्त खत्म हो गया आप सुनिए आपने कम अज कम दो मिनट तो बात कर चुकी है कम अज कम दस सेंटेंस बोल चुकी है उसमें कोई सवाल था नहीं

तो हमारी किताब सच्ची है और इसे हाँ। वाला क्यों देते हैं वो अगर बाइबल से दें चार किताबें अलानी है और मैंने स्टडी किया तोरे ज़बूर बस सवाल खत्म हो गया अभी जवाब सुनेंगे कि नहीं जवाब भी आपको देने का है जी जी जी, जी। अब सवाल छोटा सा इतने छोटे सवाल के लिए आप 10 सेंटेंस आगे 10 सेंटेंस पीछे लोग को सवाल ही गुम जाता है सवाल छोटा सा मेरी हिंदू दोस्त कहती है हिंदू सहेली कहती है ये दाके ने कहते हिंदू किताब में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि का जिक्र है तो मेरी किताब सही है अरे बनना अभी जवाब देता हूँ मैं अगर कोई हिंदू कहता है कि अगर मेरी हिंदू किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि का जिक्र है और मेरी हिंदू किताब सही है तो आपको कहना चाहिए आपकी किताब इस पोर्शन जिसमें लिखा है मोहम्मद वसल्लम आखिरी पैगंबर वो सौ फीसद सही है एक मैथमेटिक चार इक्वेशन है एक में लिखा है दो जमा दो चार दूसरे जगह लिखे तीन जमा तीन छे जगह लिखे चार जमा चार दस तो क्या तीनों चीज सही है ये? दो चीज सही है एक चीज गलत है बराबर हाँ कहने पहले दो चीज सही है दो जमा दो चार तीन जमा तीन थे? चार जमा चार दस नहीं होता है आठ होता है अगर एक चीज सही है जरूरी नहीं सब चीज सही है उनको बोलिए जो चीज सही है हमको चेक करना पड़ेगा कुरान की मानी है फुरकान क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग कुरान से जो मिलता है हम उसे मानते कुरान से जो नहीं मिलता है नहीं मानते आपके आपके भगवत गीता आपके वेदा में लिखा है आखिरी पैंगम मोहम्मद में बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है लेकिन आपकी किताब में गलत चीज भी लिखी हुई है आपके किताब में जो लिखे गलत है वो सही है आपके किताब में लिखा है कि शराब पियो, वो गलत है तो एक चीज सही होने का मतलब नहीं पूरी किताब सही है हमारी पूरी सौ फीसद कुरान सही है आपकी किताब में मिक्सचर है सही भी गलत मिसाल के तौर तो पे मैं आपको एक गिलास ऑफ पानी लेता हूं उसमें दो बूंद गटर का पानी डालता हूं आपके सामने आप वो पानी को पींगे क्यों दो दो बूंद नॉट इवन वन परसेंट दो बूंद क्यों नहीं पींगे क्यों नहीं पींगे क्योंकि क्यों मिलावट है तो अल्लाह की किताब जो वाहिद किताब है अल्लाह ताला फरमाते सुरे रात में सुरह नंबर तीन आयत नंबर अड़तीस में अल्लाह ताला फरमाते बख्लिन किताब हर दौर में हम किताब नाजिल करेंगे चार किताब का जिक्र है कुरान मस्जिद में जबूल इंजीर और कुरान लेकिन अल्लाह ने कई और किताब नाजिल किए मिसाल के तौर तो पर सूफे इब्राहिम कई किताबें नाम से हम नहीं जानते लेकिन सारे किताब उस वक्त के लिए थे उस दौर के लिए थे और अल्लाह ताला क्योंकि वो किताब क्यामत तक सही नहीं रहेंगी अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया कि उसे हम महफूज रखेंगे जहाँ कुरान मस्जिद का सवाल है अल्लाह तरमाते सुरर में शुरान नंबर पंद्रह आयत नंबर नौ में हमने कुरान मस्जिद नाजिल किया हम उसकी हिफाजत करेंगे तो ये किताब में कोई गलती नहीं सौ तो फीसद प्योर है आपकी सहेली को करो कहो ये सौ फ़ीसद की किताब की तरफ आओ जो सही है और इन आपको निजात मिलेंगी